नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके इस चैनल में। अपने पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि हम लोग कैसे बेसिक स्ट्रोक्स खेलते हैं, टीटी के कौन कौन से बेसिक स्ट्रोक्स होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि उन स्ट्रोक्स को खेलने के लिए हमें कौन सी ग्रिप होनी चाहिए, कौन कौन सी ग्रिप रखनी चाहिए, उसके बारे में बताऊँगा। तो वीडियो को ऐसे ही देखते रहिए। मेरा नाम है चिराग और आप देख रहे हैं सीजे टॉक। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि टीटी में है ना कौन कौन सी ग्रिप होती है, हम किस तरीके से रैकेट को पकड़ते हैं। बेसिकली दो टाइप्स की होती है। पहला टाइप होता है पेन होल्ड ग्रिप, जो कि जापान और चाइना उसमें होता है। मैं आपको जूम करके बताता हूँ कि कैसी दिखती है पेन होल्ड ग्रिप। आप देख सकते हैं जूम करके कि यहाँ पे जो मैंने पकड़ा है पेन की तरह बिल्कुल पकड़ा हुआ है रैकेट को। यहाँ से देखिए और यहाँ से देखिए, दोनों साइड से ये होता है पेन होल्ड ग्रिप। ये पहली टाइप होती है। बेसिकली ये वाली जो ग्रिप होती है जनरली आउटडेटेड हो गई है, बहुत कम लोग खेलते हैं, इसीलिए हम लोग इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। हम लोग जो दूसरा टाइप होता है, जो कि होता है हैंडशेक ग्रिप, जो बाकी पॉपुलर है, उस पर देखेंगे। इस टाइप की ग्रिप होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं जूम करते हुए दिख रहा है आपको, किसी से हैंडशेक करते हैं हम लोग, वैसे यहाँ पे हमने ग्रिप रैकेट को पकड़ा है और थंब से आगे से पकड़ा है और पीछे वाली जो छोटी उंगली है, इंडेक्स फिंगर है जो, उससे मैंने पकड़ा है। तो इस टाइप की ग्रिप को हम लोग बोलते हैं हैंडशेक ग्रिप। सो जो हमारी हैंडशेक ग्रिप होती है उसमें क्या होता है, जो हमारा थंब होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं थंब होता है वो बिल्कुल ऐसे सीधा नहीं होना चाहिए। अगर सीधा होगा तो हम लोग जब फोरहैंड का शॉट खेलेंगे तब ये टकराएगा, इसीलिए हमें जो थंब होता है थोड़ा नीचे रखना होता है। और जो हमारी इंडेक्स फिंगर होती है, ये वाली फिंगर जो होती है, उसको हम लोग स्ट्रेट नहीं रख सकते हैं। अगर स्ट्रेट खेलेंगे तो बैक एंड का जो स्ट्रोक हम लोग खेलेंगे तो उसमें दिक्कत होगी, बॉल यहाँ से टकरा जाएगी, इसीलिए इंडेक्स फिंगर को भी हमें नीचे रखना पड़ता है। तो दूसरी खासियत होती है हैंडशेक ग्रिप में, हमें जो ध्यान रखनी चाहिए वो होती है ग्रिप की। जो हमारा रिस्ट होता है उसको ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना चाहिए। अगर हम लोग ज़्यादा टाइट रखेंगे, स्टिफ रखेंगे, तो हम लोग शॉट खेलने में काफ़ी मुश्किल आएगी, टर्न नहीं होगी बॉल और बॉल भाग जाएगी। तो इसीलिए जो ग्रिप होनी चाहिए लूज़ होनी चाहिए, जितना लूज़ रखोगे उतना ज़्यादा हम आसानी से शॉट को खेल पाएंगे। जो तीसरी खास बात होती है रैकेट पकड़ते वक्त वो होती है, एक होती है लो ग्रिप, एक होती है हाई ग्रिप। हाई ग्रिप का ये मतलब होता है जब हम लोग इस तरीके से रैकेट पकड़ते हैं तो हमारा जो कंट्रोल होता है शॉट्स पे वो काफ़ी अच्छा होता है। जो दूसरा होता है नीचे, जो लो ग्रिप बोलते हैं, उसमें क्या होता है, हम जनरली ड्राइव खेलते हैं। ड्राइव में क्या होता है, फास्ट प्लस स्पिन, दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन जब हमें चाहिए होता है तब हम लोग लो ग्रिप का यूज़ करते हैं। उम्मीद है आपको पता चल गया होगा कि टीटी में कौन कौन सी ग्रिप होती है और ग्रिप को पकड़ने के लिए कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको पूरी तरह वीडियो समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलेगा। अगर आप चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। टिल देन, गुड बाय।